वेलकम बैक टू एसके मानिकस। एंड आज हम लोग फिर से रिटर्न है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन से कि अगर आप एक मिरर को देखते हो तो वहां पे आप अपनी जो इमेज देखते हो वो एक्चुअल में अपराइट तो होती है, दैट इज इन्वर्टेड नहीं होती है, लेकिन वो इमेज एक्चुअल में बेसिकली कम्प्लीटली आपकी एक सिमेट्रिकल इमेज भी नहीं होती है। उसमें आपको लेफ्ट राइट की सिमेट्री नहीं दिखती है। इट इज समथिंग लाइक दिस, जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे एक मिरर एज्यूम कर लो। एंड मैंने क्या किया, इस मिरर में अपना बेसिकली यहाँ से राइट हैंड दिखाया, तो जब मैं इस मिरर में अपना राइट हैंड देखूंगा थ्रू ऑल द लाइट जो कि मेरे हैंड से मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, फिर मेरी आईज में आ रही है, एंड वी ऑल नो दैट ऑल दैट स्टफ, लेकिन मुझे मिरर में जो मेरी इमेज ऑफ माय राइट हैंड दिखाई देगी वो एक्चुअल में एज अ लेफ्ट हैंड दिखाई देती है। लेकिन एक और चीज आप फोकस करोगे, ऑल्दो मैंने अपने यहाँ पे हैंड देखा ये अपराइट है, ये इमेज इन्वर्टेड नहीं है, लेकिन कंप्लीटली सिमेट्रिकल भी नहीं, ये लेफ्ट राइट सिमेट्री को लैक करती है। सो दिस काइंड ऑफ सिमेट्री अगर आप देखते हो, इस चीज को पैरिटी कहते हैं फिजिक्स में, एंड इसकी कंजर्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी कहते हैं, जो कि कंजर्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज कंजर्व होती हैं। आपने चार्ज को ले लिया, मास या फिर एनर्जी, मास एंड एनर्जी का कॉम्बिनेशन, इसके साथ ये कंजर्वेशन एग्जिस्ट करते हैं जिसे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी कहते हैं। एक्चुअल में मतलब ऐसा माना जाता था कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, बट नाउ वी नो कि पैरिटी एक्चुअल में कंजर्व नहीं है। इट इज समथिंग लाइक दिस कि जब आप मिरर में, मान लो आपके पास एक ऐसा मिरर है विच वी जस्ट सॉ राइट हियर, इसमें अगर आप अपना हैंड देखते हो ये इन्वर्ट हो जाते हैं, और रादर इन्वर्ट अगर हम लोग जब फिजिक्स में ऑप्टिक्स में कहते हैं, सो वी रियली मीन कि इसकी अपसाइड इमेज बेसिकली कुछ ऐसे इन्वर्टेड हो जाती है। सो बट दैट इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग राइट हियर। आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा, दैट इज लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो यहां से अगर आप देखते हो ये एक बहुत ही अच्छी चीज भी है इनफैक्ट कि ऐसा हो रहा है, वरना इफ दिस वर नॉट हैपनिंग, वरना एक्चुअल में अगर एक लेफ्ट राइट सिमेट्री एग्जिस्ट करती, अगर एक लेफ्ट राइट सिमेट्री एग्जिस्ट करती तो आपको कैसे पता चलता कि अभी आप मिरर वर्ल्ड में नहीं हो। नाउ दिस विल गो रियली फिलोसॉफिकल अगर उसमें जाए, लेकिन फिर भी लेफ्ट राइट सिमेट्री के एडवांटेजेस भी बहुत सारे। अगर एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना हो पैरिटी क्यों नहीं कंजर्व है लेफ्ट राइट सिमेट्री, तो वो अगेन इट विल नॉट रियली बी इन द रियल्म ऑफ फिजिक्स, मतलब एज फार एज आई सी इट करेंटली। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, लेकिन आपको समझना है कि लेफ्ट राइट सिमेट्री इसीलिए मिरर्स में एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि पैरिटी कंजर्व नहीं होता है। एंड दिस इज जस्ट द सेम वे ऑफ सेइंग, ये बस इस ऐसा ही है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एनर्जी कंजर्वड होती है। मैंने पूछा एनर्जी क्यों कंजर्वड होती है, तो हम लोगों ने बताया एनर्जी का कंजर्वेशन इस रीजन से आता है क्योंकि ये यूनिवर्स टाइम सिमेट्रिक है, टाइम सिमेट्रिक है। टाइम सिमेट्रिक क्यों है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देना भी आई गेस इन द रियल्म ऑफ फिजिक्स नहीं होगा, एंड इट विल बी वेरी इनफैक्ट इनएक्यूरेट टू से ये रियल्म ऑफ फिजिक्स में नहीं होगा, लेकिन अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो वो बहुत फिलोसॉफिकल या फिर मेटाफिजिकल हो जाता है। देन दैट इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग कि लेफ्ट राइट सिमेट्री मिरर्स के लिए एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती जस्ट ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, एंड विच इज इनफैक्ट अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे एक चीज अगर हम लोग देख लेते हैं, वीक फोर्स से रिलेटेड होता है, वीक फोर्स से रिलेटेड, वीक फोर्स क्या है सबको पता है, दिस इज द सेकेंड वीकेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जो कि किसी रेडियो एक्टिव डीके में एक्ट करता है। रेडियो एक्टिव डीके जब भी आप देखोगे किसी न्यूक्लाई का, तब वहां पे वीक फोर्स एक्ट करता है, एंड वीक फोर्स से ही पता चला था कि पैरिटी कंजर्व नहीं होती, यहाँ पे लेफ्ट राइट सिमेट्री नहीं होती है। इसका बेसिक सा मतलब क्या कि अगर आप रियल वर्ल्ड में, यहाँ पे मैंने रियल वर्ल्ड ले लिया, यहाँ पे मान लो कुछ काइंड का मिरर वर्ल्ड है जो कि मिरर के अंदर, वी आर जस्ट टेकिंग इट दैट वे, ऑलराइट, सो नहीं है कि मिरर के अंदर कोई ऐसी वर्ल्ड है, वी आर जस्ट सेइंग कि इसकी एक इमेज जो बनेगी। रियल वर्ल्ड में अगर आप यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो मैनी ऑफ द टाइम्स यहाँ पे सेम लॉज आपको देखेंगे रियल वर्ल्ड में एंड मिरर वर्ल्ड में, लेकिन बहुत ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स या फिर ऑब्जर्वेशंस आप कर सकते हो जो कि जिसकी बेसिकली लॉज या फिर जनरल फॉर्म या फिर इनकी मैथमेटिक्स डिफरेंट होगी ओवर हियर दैन हियर, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपको मैथमेटिक्स दिखती है या फिर यहाँ पे जो लॉज दिखेंगे वो एक्चुअल में इनएक्यूरेट आ जाते हैं।
अब ये इनएक्यूरेट आते हैं इसका, दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग यहाँ पे लेफ्ट राइट सिमेट्री एक्शन एक्सिस्ट नहीं करते है. जो भी आपने मान लिया ऑप्टिक्स के लिए प्रिंसिपल्स लिखे, ऑप्टिक्स के लिए लॉज लिखे, तो रियल वर्ल्ड में तो हम लोग देखते हैं ऐसा, हाँ ऐसे लॉज होते, वही इसकी मैंने पर्सपेक्टिव या फिर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो ये इस मिरर के लिए, फॉर दिस काइंड ऑफ मिरर अगर आप देखते हो, होल्ड नहीं करता है. दैट इज यहाँ पे इनसाइड द मिरर ये लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक कर जाएंगे, और रादर इनसाइड द मिरर एक्चुअल में ऐसे कोई वर्ल्ड है नहीं. तो वी फोर्स वाज वन, इसके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू रेडियो एक्टिव डे के दिखाया गया कि पैरिटी एक्चुअल में कंजर्व नहीं होती है, जिस रीजन से मिरर में लेफ्ट राइट सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है. एंड अगेन विच इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट, वरना बिटवीन दिस एंड दिस ये जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड इनकी जो बेसिकली वर्चुअल इमेजेस बनती हैं या फिर ड्रॉ होती, उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता. सो दैट वॉज रफली माई टुडेज वीडियो अबाउट इट, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स.